जम्मू और कश्मीर राज्य के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पटनीटॉप स्थित है। यह हिल स्टेशन हरे भरे परिवेश में बर्फ से ढके पहाड़ों और रंगीन खेतों से चारों ओर से घिरा हुआ है। इस परिवेश के कारण पटनीटॉप पर्यटन के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। यह भौगोलिक रूप से शिवालिक पट्टी के पठार पर बसा है। पटनीटॉप हरे भरे चीड़ के वृक्षों और घने जंगलों से ढका हुआ है। प्राचीन चिनाब नदी के कटाव से बने पटनीटॉप की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता आपको हैरत में डाल देती है। पटनीटॉप में कई हरी भरी घाटियां और बड़े बड़े खाली खेत हैं, जहां आप पर्यटकों द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। कैंपिंग यहां की सबसे जरूरी गतिविधियों में से एक है। पर्यटक यहां कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। पटनीटॉप से एक रोचक किंवदंती जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस क्षेत्र के हरे भरे चरागाहों के बीच एक तालाब था। उस राज्य की राजकुमारी हर दिन उसमें स्नान करने जाती थी, इसलिए इस तालाब को पाटनदा तालाब या पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस कहा गया। इस हिल स्टेशन पर मीठे पानी के तीन झरने हैं, जिनके ठंडे पानी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। पटनीटॉप के बाहरी इलाके में कुद और बटोटे शहर हैं। कुद पटिसा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोन पापड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बटोट अपनी उच्च गुणवत्ता वाली किडनी बीन्स के लिए जाना जाता है, जिसे हिंदी में राजमा कहते हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर और उधमपुर से 47 किलोमीटर दूर स्थित पटनीटॉप हिल स्टेशन जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पड़ता है। सना और सार नामक दो छोटे गांवों का समूह सनासार कहलाता है। इसे मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। पटनीटॉप के बाहरी इलाके में स्थित यह भारत के सबसे दूरस्थ शहरों में से एक है। शांता रिज नामक पर्वत की तलहटी में यह छोटा शहर बसा हुआ है। हवाई मार्ग से पटनीटॉप का निकटतम हवाई अड्डा जम्मू सिविल इनक्लेव है। यह भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से पटनीटॉप को जोड़ता है। सड़क मार्ग से पटनीटॉप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पटनीटॉप दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से प्रमुख राजमार्गों के माध्यम से जुड़ा है। निकटतम जम्मू और पहलगाम जैसे शहरों के साथ पटनीटॉप सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। रेल मार्ग से पटनीटॉप का निकटतम रेलवे स्टेशन कटरा जिले का जम्मू तवी है। यह देश के अन्य हिस्सों से पटनीटॉप को जोड़ता है। पटनीटॉप या पटनीटॉप जम्मू कश्मीर घाटी का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो जम्मू से 112 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बर्फ और घाटियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए पटनीटॉप लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित पटनीटॉप 2024 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके पास से चेनाब नदी बहती है। माना जाता है कि आप जम्मू गए और पटनीटॉप नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सुंदर पठार और घने जंगलों से घिरा हुआ पटनीटॉप सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासिलिंग जैसे स्नो गेम्स सर्दियों में इस पहाड़ी स्थल के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। पटनीटॉप कश्मीर घाटी में सबसे अच्छे विकसित पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस हिल स्टेशन के प्राकृतिक सौंदर्य, घने देवदार के जंगल और फलते फूलते हरे भरे परिदृश्य पटनीटॉप को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। पटनीटॉप में ठंडे बर्फ के पानी के तीन झरने हैं, जिनमें औषधीय गुण होने का दावा किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए पटनीटॉप के पास ट्रैकिंग का विकल्प भी है। वहीं गर्मियों में 9 छेद वाले गोल्फ कोर्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पटनीटॉप में आप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, एरो स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू जा रहे हैं तो पटनीटॉप की यात्रा किए बगैर बिल्कुल न लौटें। खासतौर से सर्दियों में यहां का नज़ारा देखने लायक होता है। तो चलिए आज
के आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू के एक खूबसूरत ट्रेवल डेस्टिनेशन पत्नीटॉप के बारे में। पत्नीटॉप कश्मीर के पास उधमपुर जिले में स्थित एक सुंदर हिल रिजॉर्ट है। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही वजह है कि हर साल 6 लाख से ज्यादा पर्यटक पत्नीटॉप के मनमोहक नज़ारों को देखने के लिए पहुंचते हैं। कई साल पहले इस जगह को पाटन दा तालाब कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ राज्य की राजकुमारी प्रत्येक दिन इस तालाब में स्नान करने आया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक तालाब पत्नीटॉप में इस तालाब की अफवाह अभी भी बनी हुई है। इतिहास में यह है कि 1730 में पत्नीटॉप डोगरा राजा ध्रुव ने शहर पर अपना शासन शुरू किया। इस राज्य के प्रभाव ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बढ़ावा दिया, जो आधुनिक समय में भी बना हुआ है। 600 साल पुराना नाग मंदिर इलाके में प्राचीन आबादियों का एक और प्रमाण है। हालांकि समय के साथ इसका नाम बदलकर पत्नीटॉप कर दिया गया, तब से लोग इसे पत्नीटॉप नाम से ही जानते हैं। यहां अगर आप जाएं तो आपको देवदार के घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां देखने को मिलेंगे। पिकनिक मनाने और छुट्टियां बिताने के लिए जम्मू की यह जगह पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है। पत्नीटॉप उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है तो स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं। खासतौर में सर्दियों में पर्यटक यहां स्कीइंग का मजा लेने ज्यादा पहुंचते हैं। आज आलम यह है कि पत्नीटॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में अच्छी खासी पहचान मिल चुकी है। स्कीइंग के लिए पत्नीटॉप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी हो या बड़ी सभी स्लोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पैराग्लाइडिंग के लिए पत्नीटॉप से सटे नत्था टॉप और सनासर क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने के शौकीन लोगों के लिए साल में 3 से 4 कोर्स करवाए जाते हैं, लेकिन स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी और पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर के महीने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसी समय यहां स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, रॉक क्लाइंबिंग करने के शौकीन लोगों के लिए यहां सप्ताह भर के कोर्स कराए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं और संस्कृतियों में अंतर के बावजूद पत्नीटॉप के लोगों की जीवन शैली काफी धीमी है। यह भारत आर्यन समय से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इस शहर में धर्मों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप नाग पंचमी, लोहड़ी, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। यहां परोसे जाने वाले व्यंजन अपने समृद्ध स्वाद और केसर के सार के लिए लोकप्रिय हैं। पत्नीटॉप में ठंड के मौसम की स्थिति में उनके व्यंजनों में मांस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। मसालेदार भावपूर्ण प्रसन्नता इस शहर की पाक पहचान है। लोक नृत्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों जीवंत पारंपरिक पोशाक और बीट्स पर नृत्य करते हैं। पत्नीटॉप के लोग मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहां निवास करने वाले ज्यादातर लोग या तो जम्मू या कश्मीर के हैं। हिंदू और मुसलमानों का एक अच्छा मिश्रण यहां देखा जा सकता है। पत्नीटॉप में लोग जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं वह फेर्न है। पुरुष और महिला दोनों ही फेर्न को फ्लॉन्ट करते हैं, जो आरामदायक दिखता है और उन्हें गर्म रखता है। वहाँ के मुस्लिम पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना जरूरी है। हेगियज हिंदू पुरुषों की पोशाक का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और यहाँ के लोगों पर आधारित है, जो किसी न किसी तरह से इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कहने को पत्नीटॉप एक हिल स्टेशन है, लेकिन अन्य हिल स्टेशनों के मुकाबले यहाँ का मौसम गर्म होता है। यहाँ दिन का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि शाम का समय सुखद होता है। यहाँ गर्मी का मौसम मई से जुलाई तक रहता है, लेकिन साथ में होने वाली हल्की बारिश गर्मी से थोड़ी राहत देती है। यहाँ की सर्दी काफी सर्द होती है।
साथ ही बर्फबारी के साथ तापमान -14 डिग्री तक गिर जाता है। साल के इस समय के दौरान पर्यटकों की समझो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इस समय यहां बर्फ जमा होने के कारण स्कीइंग शुरू हो जाती है, जो पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक एक्टिविटी है। अगर आपको बर्फबारी का मजा लेने का शौक है तो आप खुले दिल से पत्नीटॉप की सैर पर जा सकते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है। बर्फबारी के कारण यहाँ के कई रास्ते जाम हो जाते हैं, तो वहीं यातायात भी बाधित होता है। कई बार तो बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, जिस कारण बाहर से आने वाली गाड़ियों को बर्फ पिघलने तक का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप मई में पत्नीटॉप जाएंगे तो आपको वहां बर्फ नहीं मिलेगी। वहां का मौसम हल्की बारिश के साथ गर्म रहेगा, लेकिन फिर भी इस मौसम में यहां ऊनी कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नॉर्थ टॉप पत्नीटॉप में सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई को देखते हुए यह स्थान शिवालिक और किश्तवाड़ पर्वत, आसपास की घाटियों और देवदार के जंगलों के बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। सर्दियों के दौरान नॉर्थ टॉप का दृश्य विशेष रूप से बहुत सुंदर दिखता है। पत्नी टॉप में आप पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। नॉर्थ टॉप सबसे ऊंचाई पर होने के कारण यहां पैराग्लाइडिंग करने का मजा बहुत आता है। सर्दियों के दौरान यहां का नजारा ऐसा होता है जैसे ठंडी पहाड़ी हवा में सफेद बर्फीली घाटियों से गुजर रहे हों। हिमालय पर्वत और क्षेत्र के बीहड़ इलाके में लोगों के लिए ट्रैकिंग करने का विकल्प दिया गया है। ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये जगह बेहद रोमांचकारी साबित होती है। सुध महादेव और शिवगढ़, ये दो ट्रैक हैं जिसमें से किसी एक विकल्प को लोग चुन सकते हैं। माधोटॉप पत्नीटॉप से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माधोटॉप अपने स्कीइंग मैदानों के लिए पर्यटकों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध है। पहाड़ों की कोमल ढलानों के बीच बसे हुए और सर्दियों के दौरान बर्फ से ढके हुए माधोटॉप स्कीइंग करने वाले लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र होता है। सनासर झील पत्नीटॉप से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन आज भी यह जगह पिछड़ी हुई है। राज्य के सुदूर भाग में स्थित 2050 मीटर की ऊंचाई पर सना और सार नाम के दो गांव हैं। इन दो गांवों के नाम से मिलकर ही सनासर का नाम पड़ा। यह जगह पहाड़ों और आसपास के सुंदर परिदृश्य को दर्शाता है। यहां पर्यटक रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून राइड्स आदि जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। नाग मंदिर को पत्नीटॉप के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर 600 साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह जगह है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती गुप्त बंधन में बंधे थे। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित नाग मंदिर से आप दूर तक सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। पत्नीटॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेटोट एक छोटा सा शहर है। ये शहर राजमा की अच्छी क्वालिटी के लिए काफी मशहूर है। भगवान शिव को समर्पित बुद्ध अमरनाथ मंदिर पत्नीटॉप का प्रमुख आकर्षण है। प्राकृतिक संगमरमर के पत्थर से बने हुए इस मंदिर के पास पुलत्स्य नदी बहती है, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा कही जाती है। कथा के अनुसार इस नदी का नाम रावण के दादाजी पुलत्स्य ऋषि के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि पुलत्स्य ऋषि ने उस समय नदी के पास घोर तपस्या की थी। रक्षाबंधन त्योहार पर बुद्ध अमरनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। पत्नीटॉप कभी जाएं तो बुद्ध अमरनाथ मंदिर की यात्रा जरूर करें। भारत की सबसे लंबी सुरंग पत्नीटॉप है, जिसे चेन्यानी नाशरी सुरंग और पत्नीटॉप सुरंग भी कहा जाता है। कुछ समय पहले ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस 9 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया था। यह सुरंग जम्मू व श्रीनगर के बीच नेशनल हाईवे 44 पर बनी
हुई है। सुरंग बनाने के लिए अनुमानित लागत 2.520 करोड़ आई थी, लेकिन अंत में इसके बनने पर 3.720 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सुरंग बनने का काम 2011 में शुरू हुआ था, जिसे अंतिम रूप 2017 में मिला। मुख्य सुरंग का व्यास 13 मीटर है, जबकि समांतर निकासी सुरंग का व्यास 6 मीटर है। दोनों सुरंगों में 29 जगहों पर मार्ग बनाए गए हैं, जो हर 300 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। खास बात है सुरंग के भीतर लगे कैमरों में, इन कैमरों की मदद से 360 डिग्री तक फोटो लिए जा सकते हैं। इस सुरंग के बनने के बाद जम्मू और श्रीनगर की दूरी मात्र 30.11 किलोमीटर रह गई है। वैसे तो पत्नीटॉप में साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित होते हैं, तब यहां ज्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। बर्फ के बीच स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग का अनुभव बहुत ही खास होता है। जम्मू हवाई अड्डा उधमपुर के माध्यम से पत्नीटॉप पहुंचने के लिए